चलिए दोस्तों, होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी बना लेते हैं घर पे। इस तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बिल्कुल हमारी खस्ता गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। तो 3 बड़े कप मैंने लिया है मैदा, एक बॉल में शिफ्ट कर दिया है इनको, और 3 बड़े चम्मच लिया है मैंने देसी घी। अच्छी तरह इनको मिक्स करना है तब तक जब तक ये बिल्कुल हार्ड में इस तरीके से ना हो जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सा हमें आटा गूंद लेना है, बिल्कुल देखिए इस तरीके से। इसके बाद इसे गीले कपड़े में हमें ढक के रखना है कम से कम 30 मिनट के लिए। इसके बाद एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के रोस्ट करना है ड्राई फ्रूट को, और 1 चम्मच हमने घी लेना दोबारा, और इसमें हमने मावा को ऐड कर लेना अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। 1 चम्मच घी में हमें दोबारा नारियल के भूरे को रोस्ट करना है अच्छी तरह, 1 मिनट तक कम आंच में इन सभी को पकाना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1 बड़े चम्मच में हमने सूजी को भी रोस्ट कर लेना है, इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इनके बाद हमें सभी को ठंडा करके पहले लेनी है सूजी, इसके बाद हमने मावा लेना है, और उसमें जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे मिक्स कर लिया मैंने पहले से तोड़ के। इसके बाद हमने नारियल वाले भूरे को भी डाल दिया है, इनको सभी को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, और अंत में हमने चीनी का भूरा डालना है, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिलिंग तैयार हो गई है। छोटी छोटी लोइयां लेना और इसको अच्छी तरह जो है बेल लेना, बेलने के बाद सांचा लेना गुजिया वाला, और इसमें डाल लेना अपनी सारी फिलिंग। इसको ढक के देखिए इस तरीके से हमारी, इसके बाहर के जो हिस्से निकाल देना, और गुजिया का साइज हमारा तैयार हो गया। गरम गरम तेल रखा हुआ था मैंने पहले से, और इसमें हम गुजिया डाल देंगे। इन्हें हमें तब तक फ्राई करना है डीप फ्राई जब तक ये सुनहरे कलर के ना हो जाए। जैसे ये सुनहरे कलर के आपको लगे तो इसे गरम गरम तेल से निकाल लीजिएगा। और सभी मेरे दोस्तों को होली की हार्दिक बधाई हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल में अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।